फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिर्फ तीन तीन फंदों पे ये डिज़ाइन डलता है। इसे आप लेडीज, जेंट्स और बच्चों के हाल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान और रेडीमेड लुक में ये डिज़ाइन डलता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए, मीन तीन तीन फंदों का जोड़। 3 + 3 + 3, ऐसे तीन तीन फंदे लेकर लास्ट में हमने 2 फंदे एज के लिए एक्स्ट्रा रखने हैं तो पैटर्न सेट आएगा। बॉर्डर के बाद सीधी साइड से हम अपना जो डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो ओनली 4 रो रिपीटेड डिज़ाइन है फ्रेंड्स। एक फंदा हमने सीधा बुना, ध्यान से देखिएगा आप क्या करना है। 1 2 3, तीन फंदे हमने स्लिप कर लिए। 1 2 3, तीन फंदे सीधे बुने। यकीन ही तीन तीन फंदों को हमने रिपीट करना है। 3 उतार लेने हैं, 3 बना लेने हैं। अगेन 3 फंदे फिर से हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और 3 फंदे हमने ऐसे सीधे बनाने हैं। एज का फंदा भी हम ऐसे सीधा बुनेंगे। देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड आगे डिज़ाइन की सेकेंड रो। देखिए, जो फंदा बुना है उसे हमने बनाना है, जो स्लिप किया है उसे स्लिप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। देखिए, 3 फंदे बना लिए, 3 फिर से हम स्लिप करेंगे। अगेन 3 फंदे बुनेंगे, 3 फंदे फिर से स्लिप किए। लास्ट का फंदा हमने ऐसे उल्टा बनाया। देखिए, इसके साथ 2 सिलाई हमारी कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन की थर्ड रो राइट साइड। देखिए, एक फंदा हमने सीधा बुना। देखिए, जे हमने फंदे पहले स्लिप किए थे जो हमने बुने नहीं थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, ऐसे हमने एक जान ओवर करना है, जाली बनानी है। जो फंदे हमने ऐसे जहां पर स्लिप किए थे, देखिए इन 3 फंदों को हमने ऐसे पीछे से एक साथ बुनना है। 3 का 1 बना लिया। देखिए, एक हमारी जे जाली डल गई है और एक जे। देखिए, जो फंदा जहाँ पर कम हुआ है दोनों साइड हमने जाली के साथ बढ़ा लिया है। अगेन 3 फंदे सीधे बुनेंगे फिर से। जे फंदे हमारे देखिए स्लिप किए हुए हैं, जे फंदे। अब क्या करेंगे, इनको ऐसे जाली डाली, 3 फंदों को एक साथ लेना है और ऐसे बैक साइड बैक लूप से इसे सीधा बुनना है। फिर से एक जाली, देखिए फिर से जहाँ पर 3 का 1 बना है, एक जाली इधर हुई है हमारी, एक इधर। 3 फंदे हमने ऐसे सीधे बना लेने हैं। एज का फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। अब हम बैक साइड आ गए डिज़ाइन की फोर्थ रो। फोर्थ रो में क्या करना है कि हमारे जितने भी फंदे होंगे सभी को हमने ऐसे उल्टा उल्टा बनाते जाना है। जाली वाला फंदा भी उल्टा आएगा, बाकी फंदे भी हमारे उल्टे आएंगे। पूरी रो फोर्थ हमारी ऐसे ही जाएगी पर्ल वाइज। देखिए, हम पूरी की पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर रहे हैं। 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा डिज़ाइन फिर से डलेगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए एक फंदा सीधा हमारी 5th रो है। अब क्या करेंगे, 1 2 3, पहले हमने जे फंदे स्लिप किए थे, अब हम जे फंदे सीधे बुनेंगे और जे वाले फंदे को हमने ऐसे स्लिप करना है। अगेन 3 फंदे सीधे, 3 फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा। कि 5 सिलाई हमारी कंप्लीट हुई है। अब हम बैक साइड आ गए डिज़ाइन की 6th रो। एक फंदा उल्टा, जो फंदा स्लिप हुआ है उसे स्लिप करेंगे, जो फंदा बुना है उसे हमने उल्टा बनाते जाना है। देखिए, 3 फंदे हमने ऐसे, लास्ट का फंदा भी उल्टा। देखिए, अब हम राइट साइड आ गए 7th रो। 7th रो में हमने क्या करना है, एक, देखिए जो फंदे हमने पहले स्लिप किए थे, अब 2 3 4, 4 फंदे हमने बना लिए एज के फंदे को छोड़कर। 3 फंदे बुने, फिर से हमने ऐसे जान ओवर करना है। देखिए, अब जो फंदे हमने जो स्लिप किए थे इनको हमने ऐसे एक साथ सीधा बुनना है। 3 का हमने 1 किया, फिर से जान ओवर किया, 3 फंदे
सी थे। देखिए जो फंदा जहाँ पर कम हुआ, एक जाली जहाँ पर डल गई और एक जहाँ पर, फिर से हमने जाली डालनी है, तीन फंदों का हमने एक बनाना है, फिर से एक जाली एक फंदा सी था। कि इसके साथ सात सिलाई हमारी कंप्लीट होती है, सेवन रो बैक साइड से एट्थ रो, आठवीं सिलाई सेम फोर्थ रो की तरह ही है गाइस, पूरी की पूरी रो हमने ऐसे उल्टा उल्टा बनाते जाना है। जितने भी फंदे होंगे हमने ऐसे ही पैरेलल वाइज उल्टे बनाते जाना है। देखिए एट्थ रो हमारी कंप्लीट होगी, आठ सिलाइयां हमने डाल ली हैं, यही आठ सिलाइयां हम आगे आगे रिपीट करते जाएंगे। फिर से जी फर्स्ट रो जहाँ से डलेगी और हमारा जी पैटर्न आगे आगे चलता जाएगा, हम आगे आगे बनाएंगे तो जी ऐसे बनेगा। देखिए आप इसे सभी तरह के प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा और उभरा उभरा सा डिज़ाइन बनता है गाइज, बनकर बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम रेडीमेड लुक देता है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में अप्लाई कीजिए, लेडीज़ में और बेबीज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है जी। अगर आप इसे थोड़ा सा लाइट कलर में बनाएंगे तो जी बहुत खिलकर आएगा। देखिए प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।